हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वीपीएन सेटिंग है तो वीपीएन सेटिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वीपीएन सेटिंग है तो वीपीएन सेटिंग को आप कैसे सेट करेंगे, सिंपली आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है वीपीएन। सर्च करते ही वीपीएन सेटिंग्स के नाम से यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि वीपीएन सेटिंग्स आप सेट करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ से आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपना वीपीएन बना सकते हैं। यहाँ पर शो हो रहा है एडिट वीपीएन प्रोफाइल, तो अपना वीपीएन प्रोफाइल बना के आप इसको सेट कर सकते हैं और उसमें आप यूज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं किसी भी अदर्स वीपीएन को। तो इस तरीके से आप वीपीएन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। और साथ में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सर्चिंग सॉरी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी वीपीएन सेटिंग को सेट कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन के आइकन्स इस तरीके से शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको क्लिक करना है मोर कनेक्शन नेटवर्क ऑप्शन पे। तो क्लिक करते ही सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जहाँ से वीपीएन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वीपीएन सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से अपना वीपीएन एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं और अपना वीपीएन बना के ऐड कर सकते हैं। ऐड करते ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं और साथ में आप डाटा सेवर मोड को भी यहाँ से ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं और डाटा सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वीपीएन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।